गैमी मीन्स फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म, फ्यूजन ऑफ टू सिमिलर पोर्स, फ्यूजन ऑफ टू डिसिमिलर स्पोर्स। तो इसका करेक्ट हो जाएगा फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, गैमेट्स के फ्यूजन को सिनगैमी बोलते हैं। चलना, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैव हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स। इस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी सही होते हैं जिनमें हैप्लॉइड डिप्लॉइड बताना होता है। न्यू सेलस डिप्लॉइड होता है, एंटीपोडल्स हैप्लॉइड हो जाएंगे, और यहाँ दोनों ही हैप्लॉइड होने चाहिए, तो पहला तो होगा नहीं। दूसरा है एंटीपोडल सेल्स एंड एक्सेल, तीसरा एंटीपोडल सेल्स एंड मेगा स्पोर सेल्स, चौथा है न्यू सेलस एंड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ये भी डिप्लॉइड। इस केस में जो सेकेंड वाला है वो सही हो जाएगा, क्योंकि मेगा स्पोर मदर सेल भी डिप्लॉइड होता है। एंटीपोडल और एक्सेल ये वाला करेक्ट हो जाएगा, दोनों ही हैप्लॉइड होंगे। विच पार्ट ऑफ द फ्रूट लेबल्ड इन द गिवन फिगर मेक इट अ फॉल्स फ्रूट। फॉल्स फ्रूट पूछा है तो इसमें थैलेमस आंसर होना चाहिए, ए मेसोगार्ड, बी सी हो जाएगा करेक्ट इसका, थैलेमस। परसिस्टेंट न्यूसेलस इन द सीड इज नोन एज टैगमेन, पेरिस्पर्म, चैलेजर और हाइलेमिन में, यहाँ पे पेरिस्पर्म इसका आंसर। Which one of the following statements regarding post-fertilization development in flowering plants is incorrect? Incorrect पूछा हुआ है, ovules develop into embryo sac, तो पहला ही का incorrect है, क्योंकि ovule जो होता है वो post-fertilization के बाद में, जब fertilization हो जाता है तो वो seed में ही develop, seed बनता है ovule से, तो इसका A हो जाएगा। दूसरा है ovary develop into fruit, सही है, zygote develop into embryo, ये भी सही है, central cell develop into endosperm, correct, तो A आ जाएगा इसका आंसर। द कोकोनट वाटर फ्रॉम टेंडर कोकोनट रिप्रेजेंट्स फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म ही तो याद ही होना चाहिए, कई बार इस पर क्वेश्चन आया हुआ है।